वेलकम टू लोनार भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, 105 किलोमीटर देखने आए हम ये गड्ढा जिसका कलर कुछ दिन पहले हो चुका था गुलाबी, अभी भी गुलाबी है। मेरे चश्मे में से दिख नहीं रहा, रुको मैं चश्मा उतार था महंगे वाला। ओ बहुत भारी कलर है। ये हमारी गैंग के आदमी है सारे के सारे, ये देखो ये अब्बा नहीं मानेंगे कटप्पा वाला ना पानी कीमती है साथी, बहुत भारी जगह आए हैं हम। देखो 150 के पेट्रोल में चावे से डीजल डालने लगा देते 1500 का, हैदराबाद का भाड़ा निकाल डालते थे गरीबों से यही, लेकिन हमने दिमाग से काम लिया, जावे सेठ के बहकावे में नहीं आए। 150 में जतरा, 150 में जतरा। इधर से हकाल दिया गया है पीछे के गेट में से, पुलिस वाले आए थे बहुत खतरनाक, मार रहे मारने वाले थे। इधर लोग खाना भी खा रहे, हमने कुछ लाए नहीं, हम डालेंगे नाट जिससे दुखेगा उनका पेट। बहुत दूर से आए हैं ये 105 किलोमीटर से, क्या देखने मिला आपको बताइए? लाल पानी। और कैसा लगा यहाँ पर आकर? अरे तो रमजान माने बहुत देखे हमने लाल पानी। अच्छा रूह अफजा का शरबत, हो सकता है वो यहीं से आता होगा। नहीं नहीं उसकी फैक्ट्री बड़ी। हाँ हो गया, जो आपके साथ उधर इंसिडेंस हुआ आपको उसके बारे में क्या कहना है? जो उधर आपको आदमी आ गए थे पकड़ने, एक्चुअली ऐसा हुआ हम लोग वहाँ गए थे फोटो निकालने के लिए। हाँ लेकिन आदमी निकाल के हम लोग खुद खतरनाक मारे वहाँ पे जावेद सेठ को, उनके कपड़े फट गए। एक बार हम देखना चाहेंगे जावेद सेठ के कपड़े किधर से फटे। जावेद सेठ कपड़े बताओ इधर से कपड़े फटे, बहुत मारे पुलिस वालों ने। वहाँ से निकले जावेद सेठ के कपड़े फट गए तो हाँ सेठ वहाँ बाहर बैठे तो वो दो डंडे लेके आए आदमी। हाँ सेठ उनसे बात कर रहे ना, क्या बोल दिया उबेश सेठ ने? उबेश सेठ ने बोला हमारे पहले पोटे गए थे वहाँ मारे क्यों? इनकी ऐसी, इनकी ऐसी बहुत अनोखी हैसी है, जैसी एक लोनार झील वैसी एक इनकी हैसी पूरी दुनिया में एक ही है। ऐसी ऐसी है जो एक बार गाड़ी सुरेश दे दी है चौथे गियर के अलावा नीचे उतरती नहीं है, देखिए आप। आपने ऐसा क्यों बोले आदमी को? उसको तो मारता था मैं। हमारे पढ़े लिखे आदमी है, इंग्लिश में बात कर रहे? अरे इंग्लिश आती है इनको? एक बार इंग्लिश बोल के दिखाएंगे आप। हेलो, ये इंग्लिश तो हमने कभी नहीं सुने। तो इन्होंने इंग्लिश में क्या बोले वहाँ? इन्होंने इंग्लिश में बोले वाटन डू डू, वाटन डू डू। ये इसका मतलब क्या होता है वाटन डू डू? बोला बम गया। ये भाषा आपने पहले कहीं नहीं सुने होगी। अरे इधर ये ऐसी देख लेंगी ट्रक के ब्रेक। अरे साथी ट्रक के ब्रेक लगाओ साथी, इनके ब्रेक फेल हो गए इनकी गाड़ी के। अरे हमारे सामा भाई इनको एक बार लुक देख लो, कैनेडा के डॉन। आपने टकला क्यों किया? कुछ राज ये आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया, ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? तुमने धरू बहुत धरधर कर रही, इस वजह से उनका नाम धरू पड़ गया। अच्छा तो ये धरधर करते तो जैसा धर मशीन करती वैसे धरधर करते हैं? करना बोले तो चवरे का नप्पा ना करना होता है तो कहीं भी करते हैं ये ना, जिसका एक हमने अभी नजारा देख लिया जो फॉरेस्ट वालों से खेल रहे थे वो उनको मालूम नहीं, जंगली डुक्कर पकड़ के लेके जाते इन्हें भी लेकर चले जाते थे। हमें आपके सस्ते कबीर सिंह जिन्होंने आपको दी सारी मालूम, ये लोग हमारे साथ में आए हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये जो इंसान थे इनका नाम बोलो, नाम बोलो। मोहम्मद आकी उबेद मोहम्मद अब्दुल वहीद, एड्रेस जुनर फैल फिश मार्केट खामगांव। अगर यहाँ के पुलिस वालों को भी लगता हो तो ये वीडियो देखे पहुंच जाए, नियर फिश मार्केट जहाँ पर आती है खतरनाक बास रहते हैं ये। जावेद से लोनार लाने के लिए 1500 का डीजल डालने लगा रहे थे, एक जन के 400 रुपए क्या देना पड़ा हमारे को? कुछ भी नहीं दिया, 150 में आ गए। जावेद सेठ हमारे को लूटने के पीछे पड़े, इतने बड़े सेठ है करोड़ों का कारोबार चल रहा, लेकिन फोटो से 1500 मांग रहे थे, इतना हमारे पूरे कपड़े फट डाले, ये देखो कपड़े फट गए। ऐसे होता ना गरीबों को लूटेंगे ऐसे, ये हमारे आमिर खाजा इनको इनके सारे साथी गाले दे रहे, लेकिन ये हमारे साथ में आ गए। इनके दोस्त बोलते जूना फैलने आ रहा, और ये कहा गया हमारे लोनार आ गया, ये हमारे आमिर खाजा। इन्होंने इंग्लिश में बात कर तो हमको पुलिस वालों ने मार रही, तो बहुत मार रहे थे हमें हमारे वो। आपने चश्मा, आपने चश्मा क्यों छुपाए थे उनके अब्बू को देख के? ये चश्मा देखो जिसमें आप सस्ते कबीर सिंह दिख रहे, ये चश्मा वेल्डिंग का है, इनके अब्बा छिंदाल थे हमने छुपा डाले उनको देख के। अरे देखो इधर हमारे सामा फालू, इनके अब्बा नहीं मानते थे लेकिन मोहम्मद उसामा फारूक कटप्पा इन्होंने टकला किए, जब इनके टकले के दिन चालू टकले में कहीं निकल नहीं सकते हो लेकिन फिर भी आए। ये सब अरे आपने आपने भी किया हुआ है भाई तक, आपने भी किया होगा टकला किया है, आपने भी किया हुआ बाल आ रहे हैं, आज और घुमा लेंगे एक बार, कोई मसला नहीं, ठीक है धन्यवाद। अरे क्यों रे भाई हरीश,
अरे भाई तन्नो, अरे कहा गए रे भाई? लोनार आया भाई। अरे भाई पानी कैसा हो गया रे? अरे लाल लाल हो गया बोलते भाई। अरे बाइंड रे, कैसे कह रहे भाई? अरे बहुत बेकार रे भाई, कलर मिला रे दादा उसके अंदर। अरे हिटकरा दिख रहे भाई मेरे को, क्यों कैसे होटल में लेके गया तुमने भी? अरे यार अब होटल का इंटरव्यू मैं देता तुम्हारी को, पकड़ो। अरे भाई हमारे तुम्हारे सस्ते का भीड़ थी, बिस्मिल्ला घुस गया बिस्मिल्ला होटल में मेकर के अंदर। अरे भाई बिस्मिल्ला ना मन फोटो इतना भारी बिरयानी का लगाया नहीं रे, डल्ले डल्ले ऊपर। मैंने बोला भारी, अरे भाई लोचो रे पोटो। अरे भाई अंदर गए, नीरा भाई साहब का वो, नीरा भाई साहब का गले भी नहीं ना, वो क्या बोलू चाचा, जरा गले भी वो हम भी दे मैंने लिया पीछे थे डल्ले। वहां था मेरा दोस्त हरीश, वो साई लिया निस्ते डल्ले खाए रे, कच्चे डल्ले। रोटे भी नहीं वहाँ पे, रोटे मंग रहे उनको है नहीं गरम आ रहे। अरे क्या खाना है भाई, गरम आ रहे तो मुंह में आटा घुल रहा। फिर भाई मैंने बोला भाई जान दो इतनी भारी बिरयानी का फोटो, मैं तुम बिरयानी दे दो भाई, अभी फोटो बहुत भारी है भाई। जो दिया रे भाई बिरयानी के नाम पे पुलाव। अरे रे रे चावल को, अरे भाई चावल के ऊपर कलर डाल दिया, निस्तान बिरयानी बोल रहा, कितना मस्तर था वो बिरयानी, बिस्मिल्लाह होटल वाला। तुमको भी तो इतनी जोर के भूख लगी थी, वहीं घुस गए भाई। सुबह 8 बजे से उठे, देख अब तुमको क्या बोलू, 7:30 बजे से उठ के पोट्टो को फोन लगा रहा, इधर दिखा पीछे दिखा, फोन ही नहीं उठा रहा, ये आखिरी फोन उठाया, वो भी उसके अम्मी बोलते नहाने को गए हुए, कब 10 बजे। इधर देखो, इधर इधर फोन लगा रहे, फोन नहीं उठा रहा, अभी बोल उसको डिलीव है, 3 बजे रात को भागता, 3 बजे रात को। अरे भाई फोन लगा रहा, फोन नहीं उठा रहा, मैं कहाँ पहुंच गया इसके घर को, छोटा वाले भाई को भेजा भाई घर में, जा रहे बुला के ला रहे। क्या बोला फिर वो? भाई उठ रहा नहीं, बोले जाओ, बोले की जिंदगी को इज्जत है हमारी। अरे हम भी कबीर सिंह है ना, सस्ते है लेकिन कबीर सिंह है ना। कल दे रहे भाई 10 बजे, 10:30 बजे आए, 11 बजे गांव में से निकले। अब क्या बोलना तुम्हारे को, ऐसे कितना खाया हो इन्हें? 10 रोटे, 3 प्लेट पुलाव, बिरयानी नाम की पुलाव, इक्के चावल कलर डाले। हाँ इतना खाने के बाद भी यहाँ पहुँचे नहीं, अभी 30 किलोमीटर आ गया है सिर्फ। हाँ भूख लगी हुई। क्यों रे भाई, क्यों रे भाई? अरे क्यों रे, क्या है? अरे कैसा रे भाई तुम्हारा? नहीं रे भाई, देखो भाई इनके औरत आएंगे जब मालूम पड़ेगा। अरे भाई 2 के ऊपर रोटी नहीं देती अम्मा तेरी, तो खाते जा रहा, 2 के ऊपर रोटी नहीं देती, जाओ जी बोलती मेरे जानकार। ये देखो यहाँ पे आए, इतने दूर आए, क्यों आए? नीचे करो नीचे जरा, तुमने जूते मांग रहे पोटे, अब क्या करना हमने? आप अरे यार दे दे रे भाई, लेके जा रहे भाई जूता, ले जूता ले ले रे भाई, क्या गरीबी है। देखो जूते बदल डाल रहे, अरे इतना बड़ा सेट है, जूतों की फैक्ट्री हो ना उसकी अभी खुद की, लेकिन जूते बदल रहे। देखो इनका संताप, निस्ते फोटो निकालो, बोले एक दो पोस्ट आते सिर्फ हमारे भाई को, वो भी पीछे से, सिर्फ बैक पोस्ट। अरे औरंगाबाद, अजंता, एलोरा, चिकलदरा, खामगांव हो, शेगांव हो, जा घूमने जाने का हो। हाँ सिर्फ बैक पोस्ट मारे, सिर्फ बैक पोस्ट। सलमान खान के फैन है क्या? नहीं वो अनिल कपूर का फैन है। अरे 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 अनिल कपूर, इनका खंदा ऊपर नीचे है क्या? किस वजह से? अच्छा इनका खंदा ऊपर नीचे है, इसका मतलब है। अरे यार पहले तो 105 किलोमीटर जाना पड़ता। हाँ मालूम है तुम्हारे, हाँ हमारी पलाटी ना भाई। अरे तुमको पहले कहा था ना चाचा लव मत, सुनते नहीं ना हमारे बच्चे। अरे अगव अडवाल है, अरे बहुत अगव अडवाल है, बहुत खतरा। अरे चाचा क्या भारी हंसे, एक बार और हो भाई। अरे एक बार फगत, अरे बहुत भारी हो भाई। हाँ कहो तुम। अरे वो तुमको याद है स्कूल में बोलते थे तो क्या कहते थे? वो थाली के बिगड़े हुए। हाँ देखो बिस्मिल्ला होटल वालों ने धोखा दिया, यहाँ बहुत भारी खाना मिल गया हमको, महाराष्ट्र होटल। देखो टाइट घूमरे पोटे खाए तो आप, देख कहते मुंह खुल गया सबके, कहते हंस रहा, टाइट खाया ना वो, कहा गया इधर देख वो उधर बैठा। और अब हम आ गए हैं वीगाव प्रकल्प,
ये हमारे सईदुल्ला भाई का है, इसके अंदर उनके मच्छर है, अंसार है। ये कुत्ता भी उनका ही है, अभी पाला हुआ, जो डैम की रक्षा करेंगे। ये कुत्ता नहीं, ये वाला, ये कुत्ता हमारा पाला हुआ है। ये देखो कैसा आ रहा है बॉर्डर क्रॉस करके चोरों की जैसा। ये देखिए बुलाने का नया तरीका, किसी को आवाज ऐसी दी जाती है। जावेद शेख कैसा रहा आपका आज का टूर? बहुत जबरदस्त रहा भाई। आपको कैसा लगा जावेद शेख? बहुत जबरदस्त रहा। मजा आया कि नहीं आया? अगली बार का टूर बनाना है। चल लो बहुत जल्द। बहुत आपका टूर कैसा रहा? मजा आया कि नहीं सर? एंजॉय किया? और बीघा परकल्प पर डब्बा पार्टी का आपका क्या ख्याल है? अरे देखो तुम्हारे सस्ते कबीर सिंह ने तुमको इतना दिखाया, क्या कहते कमेंट, क्या कहते लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धप्पा धप्पा लाइक का मारो, बंद कर दो।